एंड एक्शन. जरा इसे इंग्लिश सोचे हैं कि आपको जिस चीज से प्यार है, क्या आपको वाकई उस चीज से प्यार है? MangoBaaz डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने वाली एक कंपनी और मेरा रोल वीडियो प्रोड्यूसर. वीडियो शूट करना, डायरेक्ट करना, एडिट करना, प्लान करना, ये सारा मेरे काम में आता था. लेकिन वेरी रिसेंटली मैंने अपनी MangoBaaz की जॉब छोड़ दी है. कितना सैड है भाई के छोड़ने पे. यार ऑफ तो होती है ना. मतलब खास तौर से तुम्हारी फनी बातें मिस करूंगा क्योंकि तुम मजाक हो. तुम छोड़ दिए आप, साथ शुरू किया था, साथ ग्रीन स्क्रीन पेंट की थी. इंसान नहीं है तुम, मजाक. हालांकि दुनिया में हजारों लोग अपनी अपनी जॉब छोड़ते हैं, लेकिन मेरा इस वक्त MangoBaaz की जॉब छोड़ना थोड़ी सी अजीब सी बात है. क्योंकि मुझे बचपन से शौक था कि मैं बड़े होकर बनूंगा फिल्म मेकर. बचपन से ख्वाब कह लें, गोल कह लें, जहन में ये चीज सवार थी मेरे. तो जब मेरी MangoBaaz में जॉब लगी तो मुझे ये हुआ कि चलो भाई तू फिल्में भले नहीं बना रहा हो, लेकिन एटलीस्ट तू वीडियोस बना रहा है और तू एडिटिंग कर रहा है और तू स्टोरीज लिख रहा है. तो मतलब अगर तुझे जिंदगी में फिल्में बनानी है तो यही ये रास्ता तुम्हें शायद फिल्मों की तरफ लेके चला जाए. सो ऑल इज गुड, मुझे ये फीलिंग थी. आए चाय पीते हैं. सही आ रहा शॉट? बहुत अच्छा आ रहा है. ये गिटार कौन बजा रहा है? वो चेक करते हैं गिटार कौन बजा रहा है. लेकिन मुझे अपने काम से पता नहीं क्यों बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही थी. मतलब अजीब सा अंदर खाली खाली लगता था हर वक्त. लेकिन नवीद ये कैसे हो सकता है यार, तुझे तो फिल्मों का और वीडियोस का बचपन से शौक है, क्या बात कर रहा है? और इस बात को अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया. अपना चैनल खोल लिया और उस पर व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिया. क्या हाल है ब्रो? क्या हाल है ब्रो? क्या हाल है ब्रो? लेकिन फिर मेरे MangoBaaz के काम पे इस तरह के दिन आने लगे जब मुझे 0% मजा आ रहा होता था. और फिर मुझे एक दिन ख्याल आया कि ऐसा क्यों है. तो मुझे ख्याल आया कि मुझे जो ये लाइट्स मैनेज करना और ये साउंड मैनेज करना और ये जो काम है ना सारे वीडियो बनाने वाले चक्कर, ये मुझे नहीं पता. फिल्म मेकिंग इज मोर ऑफ अ क्राफ्ट देन एन आर्ट. मतलब मुझे एहसास हो गया कि यार जब कोई शूट होती है उसमें ये चीजें करना होता है ना, तो मुझे बड़ा वो होता है कि अबे यार कौन करे. इसलिए मैं फिल्म से भी उखड़ गया था कि मुझे फिल्म नहीं बनानी. कभी लाइट ऑन करनी क्यों? तो यार गोरा मैं तब भी हूँ. मैं नहीं. फिर मुझे ख्याल आया कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसमें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश भी नहीं करूँगा. बड़ी फालतू बात है. क्यों भाई? ऐसा ही होता है जिंदगी में, जो चीज आपको दूर करती है आप उसको एक्टिवली सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें अपने को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते. हमें वहां जाना, वाइटल फोक टावर जाना पड़ेगा. कौन सा टावर? कौन सा टावर? वाइटल फोक. कौन सा टावर? वाइटल फोक टावर. अब थी सही कंफ्यूजन. जो सालों से लगता था कि पैशन है तुम्हारा, जिसकी वजह से जॉब शुरू की थी, अब सडनली उससे ही नफरत सी हो गई है. अजीब सीन है यार, क्या किया जाए भाई. जॉब तो इस तरह कंटिन्यू नहीं हो सकती, ये बात तो डन है. लेकिन जॉब छोड़ के तू करेगा भी क्या? तू कर भी क्या सकता है? कोई है चीज़ दिमाग में? जिस तरह के तुझे वक्त के साथ रियलाइज़ हुआ है कि तुझे नैरेटिव वीडियोस बनाने में मज़ा नहीं आता, उस तरह सोच कोई ज़रूर ऐसी चीज़ होगी जो तुम्हें करने में बहुत मज़ा आता होगा और तुम्हें कभी ख्याल भी नहीं आया होगा इस बात का. सोच तो सही. अबे सोच ना. मुझे लगता है मुझे ये नैरेटिव्स बनाने का शौक है नहीं, मुझे ये छोटे मोटे व्लॉग्स बनाने का शौक है. शायद मुझे ये करना चाहिए फुल टाइम. पता है मतलब कि इट्स एक्चुअली फॉलोइंग व्हाट यू लव एंड देन रियलाइजिंग दैट यू डोंट लव इट एंड देन एक्चुअली रियलाइजिंग व्हाट यू रियली लव एंड देन फॉलोइंग दैट. ओए ओए सिगरेट पी रहा है? नहीं. कितनी उम्र देख अपनी, कहां से मिली? मैं पी नहीं रहा था, मैं देख रहा था दादा की सिगरेट. कहां से मिली? दादा के गोल्ड लीफ के डब्बे से. तुम्हारे दादा को मरे हुए 10 साल हो गए. जी जी.